वहीं उत्तर भारत में मौसम के करवट बदलने से तापमान में गिरावट आई है। बीते कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के आसार हैं। तेज हवा के साथ धूल भरी आंधी आने की भी संभावना है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा ने मौसम वैज्ञानिक के सती देवी से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा वो सुनिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक के सती देवी मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। मैम, लगातार जम्मू कश्मीर की बात करें या दिल्ली की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्ब जो है वो देखने को मिल रहा है, किस तरीके से? अभी एक के पीछे दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो भी पीछे आने वाला कल से अफेक्ट होगा, वो इंडियन सिस्टम है। इनके वजह से वेस्टर्न हिमालयन रीजन में और एडजॉइनिंग प्लेन्स में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी वेदर एक्टिविटी का संभावना तो है। मैम, जिस तरीके से टेम्परेचर में कुछ कमी देखने को मिली है, क्या लग रहा है कि कितनी राहत दिल्ली नहीं तमाम जो आसपास के राज्य हैं वहाँ के लोग? अभी मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका है, वेदर एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है ना। तो व्हेन आपको ऐसा वेदर एक्टिविटी रहेगा और स्काई कंडीशन बहुत बादल भी आएगा, उसी टाइम नेचुरली टेम्परेचर में गिरावट होता है। और ये वेदर इसके साथ सीवियर वेदर के साथ इवन स्ट्रांग विंड्स, तेज हवा भी होने का संभावना, ये सब मिलके टेम्परेचर में गिरावट आएगा। 2 to 4 degrees का गिरावट तो आएगा ये। मैम, जिस तरीके से तूफान की संभावनाएं बताई जा रही, वहीं पहाड़ी राज्यों में इस वक्त चार धाम की यात्रा चल रही है, और वहाँ क्या मौसम का जो मिजाज है वो बना हुआ है, क्या लग रहा है कुछ सहूलियत इन दिनों? एक्चुअली चार धाम यात्रा के लिए सेपरेटली RMC रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर से सेपरेट उसके लिए फोरकास्ट जाता है। और आप वेस्टर्न हिमालयन का बोल रहे तो अभी 3-4 even 5 दिन के लिए वेस्टर्न हिमालयन रीजन में वेदर एक्टिविटी तो है। उत्तराखंड में इवन तेज हवा के साथ साथ इवन ओला वर्ष का भी संभावना तो है, और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी तो रहेगा। तो ये पूरा 5 दिन के लिए एक्टिविटी है। 5वां दिन में थोड़ा कम हो जाएगा, फिर भी मैक्सिमम एक्टिविटी परसों हाँ होने का संभावना तो। आखिरी सवाल है, कितना राहत मिलेगी लोगों को जो तेज हवाएं चल रही हैं, गर्म हवाएं, लू चल रही है, उससे दिल्ली के लोगों को कितनी राहत कब मिलेगी? अभी हाल फिलहाल में सुबह वो तो टेम्परेचर में स्पेशली अधिक तापमान वो तो गिर जाएगा इस वेदर कंडीशन में, और हवा सब होने की वजह से गिर जाएगा, उसके वजह से राहत तो मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत तमाम राज्यों में मौसम का मिजाज बदल रहा है, मौसम विभाग भी यही कह रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली नहीं पूरे राज्य भर के लोगों को मौसम से गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है। सहयोगी चराग के साथ किशोर मिश्रा, जगह 24।